सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। ये वीडियो भाई मैं दो बड़े क्रिएटर के ऊपर, इंडिया के नहीं है, बाहर के है, हू इज द वर्स्ट आपको पता होगा, और दूसरा है मिस्टर बीस्ट। अगर आप यूट्यूब पर थोड़ा एक्टिव हो उनको शायद आप पहचानते ही होंगे। जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, अगर वो एडिट करते इसे तो इसे कुछ इस तरह से करते। जी हाँ, उनका सबटाइटल यूज करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त रहता है, तो व्यूअर्स का जो अटेंशन है वो बहुत ही ज्यादा ग्रैब करता है इस तरह का सबटाइटल यूज करने से। तो मैं आपको ना यही दो क्रिएटर का सबटाइटल इस तरह से यूज करना अपने काइन मिस्टर की मदद से इसी वीडियो पर बता दूंगा, और डिटेल एडिटिंग वीडियो किसी दूसरे वीडियो पर लेकर आऊंगा, बट ये वीडियो आप मिस ना करो तो सही रहेगा। और हाँ, मैंने सबटाइटल को ना इजीली कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद। तो देखो, सबसे पहले अपने फोन पर काइनमास्टर ओपन कर लोगे, और काइनमास्टर पर कौन सा वाला भाई क्रिएटर मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ बताने, शायद हु इज द बॉस होगा। उसके जैसा भाई अगर आपको टेक्स्ट एनिमेशन डालना है, जो भी सबटाइटल रहता है, तो वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मैंने एक सीन लिया है इसके इसी वर्ड को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको क्रिएट। सो उसके लिए आप टेक्स्ट पर जाओ और आपको एक फॉन्ट डाउनलोड करना है, फॉन्ट का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने जैसे ये वाला टेक्स्ट लिखा, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख दोगे। देन उसके बाद इसे अगर आपको वही साइज में रखना है तो भाई रख सकते हो। देन उसके बाद आपको उसका फॉन्ट सिलेक्ट करना है, तो फॉन्ट्स का नाम आप देख लो, पॉपिंग एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक फॉन्ट। अगर आप प्लस पर क्लिक करोगे तो भाई आप फॉन्ट ऐड कर सकोगे। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। देन उसके बाद अपना कलर ग्रेडिंग करना है, तो देखो जितना आप लाइट कलर रखोगे ना उतना सही रहता है, तो लाइट कलर अपने मुताबिक रखना, ग्रीन ब्लू जो भी रखना चाहते हो। उसके बाद उसके नीचे आपको आउटलाइन देना है, आउटलाइन अपने मुताबिक दे देना, कम देना, 3-4% के आसपास आपको रखना है। उसके साथ ही साथ शेडो आपको थोड़ा देना है, ज्यादा नहीं। एडजस्टमेंट जो भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अगर आप उसे ही फॉलो करोगे तो उसी तरह का ही टेक्स्ट आपका क्रिएट होकर आ जाएगा। उसके बाद ना आपको इसके ऊपर एक एनिमेशन देना है, तो जो भी आपको एनिमेशन देना है दे सकते हो, और उसके बाद आपका जो भी फॉन्ट है वो उसके जैसा ही एनिमेट करेगा, मिस्टर हु इज द बॉस के जैसा। ओके, सो बात करते हैं अभी मिस्टर बीस्ट की, कैसे वो अपने फॉन्ट को ऐड करता है, कौन सा वाला फॉन्ट रहता है, ये वीडियो पर पता चल जाएगा। वेल, मिस्टर बीस्ट के जैसा एडिट करने के लिए देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट लाइट जो कलर एडिटिंग है ना उसके पीछे आपको एडिट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉन्ट का नाम भी बता दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉन्ट लिखा फुल लाइन, अब उसको एकदम मैच करूंगा देखना। उसके लिए आपको ये वाला फॉन्ट डाउनलोड करना है, कोमिका एक्सिस नाम का, इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो एग्जैक्ट एकदम देख सकते हो वही फॉन्ट है जो मिस्टर बीस्ट यूज करता है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, फॉन्ट को भाई एड करने के लिए ना आपको सबसे पहले टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेस कर देना है। उसके बाद आपको छोटे छोटे पार्ट पर जितना आप बोल रहे हो उसी पॉइंट पर आपको वही वाला वर्ड को यहाँ पर ट्रिम करके रखना है। सो ये आप देख सकते हो, मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है। मैं एकदम मैच करके आपको दिखाऊंगा, लास्ट में प्ले करके आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा भाई मैंने एग्जैक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। सो जल्दी मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो जैसे कि ये वाला वॉल देख सकते हो ना, इसके पीछे ब्लैक कलर है, तो इतना मुझे यहाँ पर इफेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रहा। तो जब मैं लाइट कलर पर आऊंगा उसी जगह थोड़ा इफेक्ट देना पड़ेगा, शेडो वगैरह, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब ये जो नाइफ का वर्ड है इसके पीछे मुझे थोड़ा इफेक्ट देना पड़ेगा, लाइक शेडो वगैरह। तो देखो मैं कैसे देता हूँ, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसका टेक्स्ट को, नाइफ लिख देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना होगा, उसके पीछे पहले आउटलाइन देना है और बाद में शेडो देना है। पहले कलर तो नहीं है, कलर अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ग्रीन कलर वगैरह यूज करता है मिस्टर बीस्ट। साथ ही साथ आपको अगर आउटलाइन देना है, थोड़ा आपको आउटलाइन देना है, ज्यादा नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो 2% या फिर 3% के आसपास देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके पीछे शेडो देना है। तो शेडो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नीचे जाओगे और यहाँ से शेडो दे दोगे। तो शेडो का जो भी एडजस्टमेंट है आप देख लेना, मेरे से फॉलो करोगे तो एग्जैक्ट उसी तरह का ही टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है और एग्जैक्ट मैच हो भी चुका है। मैं यहाँ पर राइट साइड को ट्रिम कर देता हूँ, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मिस्टर बीस्ट का टेक्स्ट है उसी के साथ यहाँ पर हमारा पेज भी मैच हो रहा है। सो होप करता हूँ गाइस आपको छोटा सा ये दो टेक्स्ट एनिमेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई कहने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी वीडियो।